स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल. हियर आई एम कमिंग विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 6, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन. ओके, सो अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस क्लास 6 में. नंबर सिस्टम, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, होल नंबर, इंटीजर्स. नाउ कम टू फ्रैक्शन. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड फ्रैक्शन. ओके, हियर ए इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड बी इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. ओके, ए और बी क्या है आपका? यहाँ किस फॉर्म में है? ए अपॉन बी के फॉर्म में है, राइट? और ए और बी आपका नेचुरल नंबर होगा. फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर. लुक एट द गिवन फिगर. आप देखो, एक फिगर दिया हुआ है. इन दिस फिगर अ स्ट्रिप हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स. ये देखो, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट? इसको आउट ऑफ दीज 7 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैव बीन शेडेड. जिसमें से 4 पार्ट इसने शेड किया है. आगे के चार पार्ट आपके शेडेड है. क्लियरली द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 4/7. आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि जो शेडेड पार्ट होता है, टोटल नंबर, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स. मतलब आपका शेडेड पार्ट 4 है और टोटल नंबर कितने हैं? 7 है. तो 4/7 हो गया. इन न्यूमरल्स वी डिनोट इट बाई 4/7. ठीक, रीड एज 4/7 हम पढ़ते हैं इसको. यह 4/7 इज अ फ्रैक्शन. 4/ क्या है आपका? फ्रैक्शन है. एंड 4/7 इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर. और 4/7 क्या है आपका? फ्रैक्शनल. 4/7 क्या है? फ्रैक्शनल नंबर. अभी मैंने डेफिनेशन क्या बताया था कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में होगा, और ए और बी आपका नेचुरल नंबर होगा. और जैसे आपका 4 आपका न्यूमरेटर एंड द 7 इज डिनोमिनेटर, राइट? फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. अब नंबर लाइन फ्रैक्शन में बताना है. सपोज वी वांट टू डिनोट द फ्रैक्शन 4/7 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे अब ड्रॉ करना है इसको. टेक अ लाइन सेगमेंट ओ ए ऑफ अंटिल लेंथ. एक हमने ओ ए लाइन सेगमेंट बनाया है, ठीक है? डिवाइड ओ ए इंटू 7 इक्वल पार्ट्स. टेक 4 पार्ट्स आउट ऑफ इट टू रीच द पॉइंट पी. ये देखिए फिगर यहाँ बनाया हुआ है. फिगर में ओ से ए तक आपका एक इसने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है. ओके, 7 पार्ट्स डिवाइड किया है, और 7 पार्ट्स में आपको 4/7 प्लॉट करना है. तो 4/7 तो आप काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4. 4 किस पे आ रहा है? पी पे. तो पी इज़ अ 4/7 पार्ट. ओके, देन द पॉइंट पी रिप्रेजेंट द नंबर 4/7. ठीक है, 4/7 रिप्रेजेंट कर दिया पी ने. इट्स ईजी. ये ईजी है ना? अभी तक देखो, आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसमें 4/7 प्लॉट कर लिया है. ठीक है, 7 पार्ट में डिवाइड करके आपने चौथे पार्ट पे 4/7 आपका हो गया. ठीक है, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. ये देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर एंड नंबर लाइन. पहला फ्रैक्शन कितना दिया हमें? 1/2. ए बाई बी के फॉर्म में है. ए बाई बी हमारा नेचुरल नंबर होता है. ठीक है, 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है. तो इसको हमने लिखा 1/2. ओके, अब हमने एक फिगर बनाया जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया. एक पार्ट हमारा शेडेड है बिकॉज 1/2 है. तो एक पार्ट इसमें शेड होगा अपॉन 2. नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया है हमने? दो पार्ट डिवाइड किया, 0 to A नंबर लाइन बनाया हमने. 1 और 2 लिखा, जिसमें से 1/2 आपका फर्स्ट पार्ट नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया. सेकेंड क्या है? 1/4, 1/4 है. 1/4 मीन्स 1/4 उसको बोलते हैं. तो 4 बॉक्सेस है जिसमें से हमने एक बॉक्स को शेड किया है, जिसमें से 3 बॉक्सेस अनशेडेड है. तो 1/4 हो गया. उसको नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ 2/3, 2/3 है आपका. तो 3 जितने नंबर्स डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स होते हैं उतना आप ब्लॉक्स बनाओगे, और ऊपर जो न्यूमरेटर होते हैं उसको उतने पार्ट को शेडेड करोगे, राइट? तो 2/3 है. तो 3 पार्ट में 2 पार्टेड आपका शेडेड है और 1 पार्ट अनशेडेड है. तो 2/3 हुआ. नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ हो सकता है ये. उसके बाद 3/5 है.
मतलब पांच बॉक्सेस है जिसमें से तीन बॉक्सेस शेडेड पार्ट है। नाउ हियर इज अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपने काउंट करके पहले ए ओ और ए का नंबर लाइन ड्रॉ किया है, फिर उसको पांच पार्ट में डिवाइड किया और 3/5 जहाँ पे आएगा आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, चाहे कोई किसी भी नाम से, पी क्यू आर एच ओ, आपको ईजी हो। फिफ्थ एट सेम, अब ये भी ऐसे ही है सेम। तो आई होप इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे लिखा है। दस द फ्रैक्शन शोन अब बाई 1/2, 1/4, मतलब इसको 1/2 कहते हैं, 1/4 कहते हैं, 2/3, 3/5 एंड 5/8, ओके 5/8 कहते हैं। द करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल नंबर आर 1/2, इसको कैसे कैसे रीड किया जाता है, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 एंड 5/8 रिस्पेक्टिवली, ओके इसको ऐसे काउंट बोलते हैं। फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, फ्रैक्शन क्या है, एक कलेक्शन का पार्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, हमने ये देखो फिगर हमने देखा, एक बॉक्सेस के अंदर कितने सर्कल्स हैं, 8 सर्कल हैं। तो फर्स्ट फिगर देखो, कंटेन अ कलेक्शन ऑफ 8 सर्कल ऑफ विच 3 सर्कल्स आर शेडेड, जिसमें से 3 सर्कल क्या है, शेडेड है। टोटल 8 में से 3 सर्कल शेडेड है, तो शेडेड सर्कल रिप्रेजेंट 3/8 ऑफ द कलेक्शन, राइट। सेकेंड फिगर देखिए, कंटेन अ कलेक्शन ऑफ 12 ट्राइंगल्स ऑफ विच 7 ट्राइंगल्स आर शेडेड, एक कंटेनर में 12 ट्राइंगल्स है जिसमें से 7 शेडेड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7/12, शेडेड ट्राइंगल रिप्रेजेंट 7/12, 7/12 ऑफ द कलेक्शन। थर्ड भी ऐसे ही है, कितना है, शेडेड स्क्वायर रिप्रेजेंट 8/15 ऑफ द कलेक्शन, राइट। ये इजी है, समझ में आ गया। नाउ फ्रैक्शन का डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ लिखा है, देखिए, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड द फ्रैक्शन। हियर ए इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर और बी आपका डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन ए बाई बी, ओके। नाउ उसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल 5/9 इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 9। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको पता है, ऊपर पोर्शन को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे डिनोमिनेटर। 8/7 दूसरा एग्जाम्पल है, इज अ फ्रैक्शन ऑफ विद न्यूमरेटर 8 एंड 7 इज डिनोमिनेटर इज 17। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल और दिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कलेक्शन के, हमने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द कलेक्शन पढ़ा था, अब यहाँ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड 3/4 ऑफ 12, आपके पास 12 बॉल्स हैं सपोज, राइट। कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ 12 बॉल है जिसमें से आपको 3/4 करना है। नाउ डिवाइड दिस कलेक्शन इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 3 पार्ट्स आउट ऑफ इट। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो एंड 3 पार्ट्स, और 3 पार्ट्स कितने करना है, पार्ट्स आउट ऑफ इट, राइट। अब देखिए आप इसमें क्लियरली 3 पार्ट आउट ऑफ मतलब 3 पार्ट्स ऑफ आउट ऑफ ए 4 पार्ट्स कंटेन 9 बॉल्स। अब इसमें से आप देखिए 3 पार्ट्स निकालिए, 4 में से अब यहाँ पे आपको बताया 3/4 ऑफ 12 बॉल्स इंटू इज इक्वल टू 9 बॉल्स। ये देखिए शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जब हमें ऐसे दिया होगा कोई भी क्वेश्चन, फाइंड 3/4 ऑफ 12, तो हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, 3/4 ऑफ 12 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 12, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9/1 आ रहा है, तो दैट मीन्स 9 बॉल्स हमारा 3/4 में से, जो 12 बॉल में से 3/4 कितने बॉल्स आ रहे हैं, 9 बॉल्स, राइट। फाइंड 5/8 ऑफ 32, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 5/8 इंटू 32, तो आया 20 बॉल्स, मतलब 32 बॉल्स में से 20 बॉल हमारे 5/8 फॉर्म में होंगे, ओके। प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन, अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन पहले कौन से फॉर्म में होते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं, तो हमें ऐसे फ्रैक्शन चाहिए जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल इज 2/3, न्यूमरेटर से छोटा है डिनोमिनेटर,
5/8, 7/11, 0/4, 8/15 ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ईच प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन वन, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं वो हमारे लेस देन से मतलब वन से छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें अब क्या बताया है कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है या फिर इक्वल टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से बड़ा होगा या इक्वल होगा न्यूमरेटर के, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 5/4, 5 आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से, 7 आप 7/3 में 7 बड़ा है आपका डिनोमिनेटर से, 8/5 देखिए 10/10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगा जब कि फ्रैक्शन में होने का मतलब a/b फॉर्म में होना, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका होगा जैसे 10/10 मीन्स 1 आया, ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। व्हाट इज़ मिक्स फ्रैक्शन? ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। जब हमें हमारे पास कॉम्बिनेशन किसका होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, होल नंबर मतलब जैसे 2, 1/3 होल नंबर प्लस हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल है 2, 1/3 ये होल फ्रैक्शन में है, राइट, और जैसे आपका आ गया 1/3 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, मतलब कोई भी एग्जांपल है 5/10 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, राइट, और ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपके ये मिक्स फ्रैक्शन में 2/3, 3, 2/5, 4, 5/7 ये सारे आपके मिक्स फ्रैक्शन में, ओके। आई होप ये तीनों क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को किस फॉर्म में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एग्जांपल देखिए अ मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू अ होल नंबर प्लस ए फ्रैक्शन, ठीक। पहले मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे एग्जांपल दिया 2/3/5, अब हमने इसको क्या करना है कि इसको प्लस करेंगे, 2 सेपरेट लिखा प्लस 3/5, इसको जब हमने किया सॉल्व किया तो हमारे पास आया 13/5, तो मतलब मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू अ होल नंबर, ये जो फॉर्मूला लिखा है ऊपर में मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए होल नंबर ए फ्रैक्शन, मतलब इस फॉर्म में लिखना है 2 प्लस ये होल नंबर हुआ 2 प्लस ए फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन क्या हुआ 3/5 आया, तो हम उसको प्रॉपर जब लिखेंगे तो 13/5 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी आप देखिए 3/4/7 है, तो अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू अ होल नंबर प्लस ए फ्रैक्शन, तो होल नंबर में पहले करेंगे तो 3 लिखेंगे प्लस 4/7 मतलब ए फ्रैक्शन में हो गया, देन सॉल्व करने के बाद 25/7 आया। इसका रूल देखिए आप क्या है, रूल क्या बता रहा है, मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड टू दिस प्रोडक्ट एट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, दिस गिव्स द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट्स डिनोमिनेटर इज द सेम एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन नंबर। पहले हमें मल्टीप्लाई करना है होल नंबर को किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। सॉल्व जो आप सिंपली ये जो सॉल्व करने को बताया है ना ये बताया, मतलब ये 3 + 4/7 है, तो 7 जब 3/1 लिख सकते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हैं हम, तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 7 आएगा, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस 4, ठीक है, तो 7 × 3 = 21 प्लस 4/7 मतलब ये हम सेकेंड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो एग्जांपल दिया है 3/4/7 को, ये जो रूल आपको लिखा है ना वो रूल यही बता रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम होल नंबर के साथ, डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स टू प्रोडक्ट एट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, जो हमारा दूसरा नंबर होगा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके साथ प्लस करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट 25.7, राइट। टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एट अ मिक्स फ्रैक्शन, अब इसमें क्या है, पहले हमने पढ़ा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना था, अब हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। अब हमारे पास एग्जांपल, कन्वर्ट 29/8 इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, अभी तो पहले ही हमारा फ्रैक्शन में है तो हम इसको किस में बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन, मतलब मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें कैसे करना पड़ता है, डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर हमारे पास रिमाइंडर क्वेश्चन सब कुछ आएगा, राइट, तो ऑन डिवाइडिंग 29/8 वी गेट क्वेश्चन इज 3 एंड रिमाइंडर इज 5। देखो इसे सिंपली राइट हैंड साइड में सॉल्व करके बताया है,
तो 29 अपॉन 8 को हम लिखेंगे 3 प्लस 5.8, तो आया ये 3 5/8 से मिला ली 38 अपॉन 9, मतलब इसको भी हम डिवाइड करेंगे देन हमारा न्यूमरेटर और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दोनों आएगा, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। टू रिप्रेजेंट अ मिक्स फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, हमारे पास नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। लेट ओ ए इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओ ए बी सी एंड ए बी एंड बी सी ये सब हमारा क्या है 1 यूनिट है, राइट। देन क्लियरली ओ बी, अब हम ओ से बी पे गए इज इक्वल टू 2 यूनिट, ओ से सी पे गए 3 यूनिट, डिवाइड बी सी इंटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 2 पार्ट्स ऑफ आउट ऑफ देम टू रीच द पॉइंट पी, पी रिप्रेजेंट हमारा हुआ 2/5। सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप ये तीनों समझ में आ गया, टू कन्वर्ट ए मिक्स फ्रैक्शन इंटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हमारा इम्प्रॉपर से हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ हम अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन, राइट। सो तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।